नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया है उसी का थ्रू मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। वो कल के लिए मतलब 16 मार्च 2020 के लिए मैंने इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का बाई लेवल सेल लेवल दिखाऊंगा। तीनों सेट ऑफ बाई लेवल सेल लेवल पिवट पॉइंट टीरन लेवल और गन एंगल गन स्क्वायर ऑफ नाइन मुरेस कैलकुलेशन इनसाइड द बार NR4 NR7 और हाँ कैंडल स्टिक फॉर्मेशन दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता हूँ, वो भी आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। और भी बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, स्ट्रैटेजी है, टेक्निक्स है, जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए बहुत ही आसान कर देगा और आप लोग प्रॉफिट कमाने के लिए आप लोग को सुविधा हो जाएगा। और ये जो फाइल है इसको कैसे स्क्रीनिंग करना है, कैसे इसमें क्या क्या है, कैसे स्क्रीनिंग करना है, वो वाला वीडियोस देख लीजिए। इसका परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और कि इसको इस्तेमाल करके कैसे आप लोग स्टॉक मार्केट से सी शॉर्ट प्रॉफिट आसानी से कमा सकता है। तो और निफ्टी बैंक निफ्टी मूवमेंट इक्विटी कमोडिटी फ्यूचर सभी में आप लोग प्रॉफिट ट्रेड कर सकता है। तो इसका वो सब वीडियोस भी आप लोग देख लीजिए और इसका व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन होने का लिंक भी आप लोग को दिया है, उधर यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को उधर भी मिल जाएगा। और जो लोग एलिस ब्लू एंजल ब्रोकिंग आस्था ट्रेड आप स्टॉक्स में ज्वाइन होने से चाहता है तो उसका लिंक दिया जाएगा, उधर से आप लोग बहुत आसानी से ज्वाइन हो सकता है। तो देखिए मैंने तीनों सेटअप बाई लेवल एंड सेल लेवल दिखाऊंगा। ये बाई सेल लेवल 1 है, बाई का एंट्री लेवल बीच में रहेगा। टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ है, टारगेट 8 दाने तरफ है। अच्छा उसके बाद सेल का एंट्री लेवल बीच में रहता है। टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएं तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाने तरफ। और इसमें गैप अप और गैप डाउन को आप लोगों को कंसीडर कर लेना है, गैप अप और गैप डाउन को कंसीडर कर लेना है। आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियोस देख लीजिए, उसमें आप लोग को पता चल जाएगा इसमें कैसे एंट्री लेना है। और ये है बाय सेल लेवल 2, इसके बाद आएगा बाय लेवल सेल लेवल 3। इसमें R1 इसका एंट्री लेवल है और इसका एंट्री लेवल है, और इसका सेल का एंट्री लेवल है SLL 3 में। ये है स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट। इसके बाद बोलिंजर बैंड प्राइस चैनल का वैल्यू आप लोग अपर बैंड मिड बैंड लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकते हैं, ये भी एंट्री पॉइंट होगा। और टीरन लेवल का वैल्यू नोट कर सकता है। उसके बाद आप लोग को गन एंगल्स गन स्क्वायर ऑफ 9 और ये देखिए ये गन एंगल्स का बहुत गन एंगल्स का जो रेजिस्टेंस है सपोर्ट है उसका लेवल आप लोग इस ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसमें आप लोग एंट्री ले सकता है, इसमें आप लोग एंट्री ले सकता है। और ये है सेल का, ये सपोर्ट का लेवल है, ये इसमें आप लोग एंट्री ले सकता है, जिस लेवल में है वो लेवल में आप लोग एंट्री ले सकता है। और ये है गन स्क्वायर ऑफ 9, ये भी आप लोग यूज़ कर सकता है। जो लोग मेरा सर्विस लेकर और भी दो चार तो कैलकुलेशन आप लोग को दे देता हूँ भी अलग तरह का। ये है मुरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये हाई रेजिस्टेंस है लोस्ट रेजिस्टेंस है। ये सोच लीजिए 12,016 का नीचे जाएगा तो 12,007 के नीचे 12,007 तक आप लोग को देखना है, लेकिन 12,007 का 7 के जब ऊपर रहेगा 8 या 9 या 10 के ऊपर रहेगा तो 16 के ऊपर आप लोग सोच सकते हैं कि ऊपर जाएगा तो ऊपर ले सकते हैं। ऐसे करके स्टेप बाई स्टेप आप लोग को देखना है। और ये है ये मतलब कौन सा लेवल पे कौन सा है वो दिखा है, मतलब कौन सा स्टॉक्स लास्ट ट्रेड प्राइस कौन सा स्टॉक्स में कौन सा है वो देखना पड़ेगा। और ये देखिए ये कौन सा लास्ट ट्रेड प्राइस जो है ACC NP TCS ट्रेडर इसका जो कौन सा गन एंगल कौन सा डिग्री पे है वो दिखा रहा है, और इसका पॉसिबल चेंजेस कब कितना टाइम में आ सकता है, मतलब ये सेशन में पकड़ना है आप लोग। एक घंटा पकड़ेंगे तो 1 डेज का पकड़ेंगे तो ये एक्चुअली 60 मिनट का हिसाब से 60 मिनट मतलब 60 मिनट का हिसाब से ये घंटा का हिसाब से घंटा मिनट का हिसाब से ये किया गया है। तो सोच सकता है ये जो 5 सेशन है उसके बाद ये 4 सेशन उसके बाद ये
चेंज पॉसिबल चेंज होएगा, तो ये आप लोग भी खुद नोटिस कर सकता है। मैं भी ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं भी नोटिस करूँगा। और निफ्टी बैंक निफ्टी का अभी आप लोग को ये सब का व्यू दिखाता हूँ। लेवल से लेवल वन चला गया, वाई लेवल से लेवल थ्री आप लोग पहुँच करके देख सकता है। ये है वाई लेवल से लेवल, ये है पिवोट पॉइंट, स्टैंडर्ड पिवोट पॉइंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्चुअली इतना बड़ा मूवमेंट हो गया कि आप लोग खुद देख सकते हैं कि लंबा डिस्टेंस दिखा रहा है, गैप थोड़ा सा दिखा रहा है। आप जानते हैं लास्ट दिन क्या हुआ था। और ये है गन एंगल्स, इसको रेजिस्टेंस, गन एंगल का रेजिस्टेंस और गन एंगल का सपोर्ट 12.5 से शुरू करके 360 डिग्री तक। और यह है गन स्क्वायर ऑफ 9 का लेवल। चलिए इतना बड़ा बड़ा मूवमेंट हो गया तो फिगर बड़ा बड़ा थोड़ा सा आ गया है। और ये है मूरेस कैलकुलेशन, मूरेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन, ये भी बहुत ही काम का चीज़ है। और इसको भी आप लोग लास्ट रेट प्राइस कौन सा डिग्री पे है और कितना सेशन में ये चेंज हो सकता है, ये भी आप लोग देख सकता है। चेंज मतलब कुछ सोच लीजिए, कुछ ट्रेंड चल रहा है उसमें कुछ अप ट्रेंड चल रहा है तो और भी अप ट्रेंड और भी थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट आ सकता है, नहीं तो नीचे भी आ सकता है। वो आप लोग को बाद में प्रेडिक्ट करने का कोशिश करूँगा। तो अभी फिलहाल वही देख लीजिए। यह कमोडिटी का लेवल दिखाता हूँ। आपको कुछ डाउट है, कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो ज़रूर बताना मेरे को, मेरे को खुशी होगा और मोटिवेशन भी मिलेगा कि और भी अच्छा कुछ आप लोग को पास लेके आने के लिए। और इसके बाद मैंने 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी दिखाऊंगा। 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी है कि लास्ट डे का लास्ट डे कैंडल को, जिस जिस स्टॉक्स का लास्ट डे कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज काट के है, उसका जब हाई लो ब्रेक होता है तो अच्छा मूवमेंट दिखता है। अब मैं वीडियोज देख सकते हैं, उसमें मैंने दिखाया ये सब, जो ये सब कैसे परफॉर्म करता है। अपोलो हॉस्पिटल में ये काट किया है, मैंने एक बार चेक कर लेता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ वो स्ट्रेटेजी क्या है। बहुत बार देखा चुका हूँ मैंने, तो अभी जो लोग ना देखता है तो उन लोग के लिए दिखाना पड़ता है। लेकिन सभी ने दिखाने के लिए तो मेरा सब चीज़, मैं जितना सारा चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो दिखा नहीं पाऊँगा। इसको पहले इसको हटाना है सबको, उसके बाद 100 डे एवरेज 100 100, इसके बाद डिस्प्ले में कैंडल। देखिए इसको काट किया है, आप लोग देख सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल में ये 100 डे मूवमेंट एवरेज काट के, इसका जब हाई लो तोड़ता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो सभी स्टॉक्स में मैंने दिखा नहीं पाऊंगा, आप लोग कुछ